सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल अल्ट्रा। और अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश से मसूरी की तरफ, ठीक है। पहले जा रहे हैं हम देहरादून, और देहरादून से शायद हम रॉबर्स केव जाएं, ठीक है। मैं हूँ आज फिर से विक्की के साथ में, जो कि हम कल मिले थे काउच सर्फिंग पे, ठीक है। साथ में हमारे रेनू जी और आप हैं। सो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं। कल हमारा प्लान बना था आगे जाने का, हमने बहुत सोचा ओली का, चोपटा का, एंड फाइनल जाके ये अभी डिसाइड हुआ मसूरी का। सो अभी हम रॉबर्ट्स के पहले देहरादून में पहुँचना है बस स्टैंड पे, फिर वहाँ पे डिसाइड करेंगे रॉबर्ट्स के का, क्योंकि बस सेम डायरेक्शन में जाती है दोनों के लिए। एंड उधर जाके फिर हम रॉबर्ट्स के होके फिर हम मसूरी पहुँचेंगे आज के, और मसूरी पहुँच के फिर वहाँ पे इंजॉय करेंगे एंड देखेंगे कि धनोल्टी जाना है कि क्या, और वहीं पर रुकना है। सो देखेंगे, आज का ये थोड़ा सा प्लान है। आई होप कि बढ़िया रहेगा आगे का भी प्लान, जैसा भी हमने प्लान किया है। अभी मौसम ठीक है और थोड़ी धूप भी है बाहर, पर अंदर बस के ठीक ही लग रहा है। अभी ठंडी हवा, ठीक ठीक हवा है। सो और बस आप देख सकते हो फुल पैक है, अभी पूरी पैकेज चल रहे हैं। तो आई थिंक अभी हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास से निकले हैं बस। सो अभी यहाँ से हमें शायद एक घंटा डेढ़ घंटा और लग जाएगा, एक घंटा सवा घंटा। तो पहुँचते हैं देहरादून, फिर आगे का अपडेट वहाँ पे देते हैं। देहरादून पहुँच गए हैं और जा रहे हैं मसूरी की बस लेने के लिए। मसूरी की बस हमें मिलेगी रेलवे स्टैंड से, तो उसके लिए जा रहे हैं अभी ऑटो लेके, भूल गया था अपराजिता, क्या सारे के सारे हमारे साथ हैं, कोई हमें कल मिले थे, हम जा रहे हैं साथ में मसूरी। अभी हम देहरादून रेलवे स्टैंड के, देहरादून रेलवे स्टेशन के पास में ही है जहाँ पे बसेस मिलती है मसूरी के लिए, और एक बस हमारे सामने से निकल गई। उन्होंने कहा भैया चार जनों की सीट नहीं है हमारे पास, सो नेक्स्ट बस हमें अभी 3:30 बजे मिलेगी। पर उससे पहले अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें कुछ रेंट पे व्हीकल्स मिल जाए, तो दो हम सोच रहे हैं टू व्हीलर ले के वी कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम देहरादून टू मसूरी, और उसके आगे फिर धनौल्टी, ठीक है। तो अभी उसी के लिए हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पर मिलेगी रेंट पर, क्योंकि सामने एक जगह दिख रही है बाइक ऑन रेंट। हमारे पास है ना, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। एंड आई थिंक वो ज़्यादा होगा, बस अभी एक ही इशू है कि काफ़ी सारे बैग्स हैं, तो वो कैसे अरेंज करना है थोड़ा थोड़ा सोच लिए, और बाकी हो ही जाएगा। क्यों इतनी भाई ये सामने देख सकते हो भाई, यहाँ पे हमारी बाइक आ जाएगी। अभी बात करते हैं, पैसे से पूछते हैं और फिर चलते हैं। अभी हम स्कूटी देख कर आए, सो वो हमें पड़ रही थी अराउंड 1800 रुपीज़ दो दिन की, लाइक 450 रुपीज़ पर डे पड़ रही थी बात बात करके, ठीक है। लेकिन उतना अभी हमें नहीं रखना था अभी, क्योंकि आज का दिन तो हमारा पूरा डेड हो जाता, सो लाइक हमारे उतना मेरे को सही नहीं लगा, एंड बाकी हमने डिस्कस करा। तो अभी हम जो जा रहे हैं वापस जा रहे हैं हम बस पकड़ने के, अभी बस के लिए तो टाइम है अपने पास, और तो हमने बोल दिया रेनू जैसे कि टिकट ले लें, तो टिकट ले लेंगे और फिर हम जाएंगे बस से अब, ठीक है। बस का जो टिकट है 65 रुपीज़ पड़ता है यहाँ से एक जने का, तो ये अराउंड कॉस्ट करेगा हमें 260 रुपीज़ चार जनों का, इतना ही हमें चार्ज पड़ा अभी ऋषिकेश से देहरादून आने का। सो आप देख सकते हैं, एंड तो अभी हम निकलेंगे एंड फिर डायरेक्ट मसूरी का प्लान है। अब वो रॉबर्ट्स केव नहीं जा रहे हैं, जैसे कि हमारा प्लान ख़राब हुआ था इसी के चक्कर में, उसी लिए हम सोच रहे थे स्कूटी या कुछ, पर वो थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ रहा था, जो कि मुझे लगा था कि 400-500 से कम तो नहीं होगा, तो ये वही चीज़ साफ बैठा। तो ये आ गया हमारा बस डिपो, बस मिलेगी। अगर लास्ट बस हमें मिल जाती ना वही वाली जिसमें सीट कम थी, तो अपना काम हो जाएगा, थोड़ा लेट हो गया टैक्सी काउंटर पर आकर संपर्क करें। लेट हो गया, आ जा जा दूरी जाने के लिए प्रति सीट की सीट उपलब्ध है। अरे ज्यादा लगता है यार बहुत, अच्छे से होटल देख रहा हूँ, ये तो खाना करके ही जाएंगे, टाइम है ना। अच्छा मेरे को लगा शायद टैक्सी का पता करना। हम बैठ गए बस में, ये बस जा रही है देहरादून से मसूरी, एंड एक बस हम मिस कर चुके थे एक्चुअली, हम पहुँचे थे जस्ट तभी बस जा रही थी, बट उसमें जगह नहीं थी, बोला चार जनों को जाना है तो उन्होंने कहा नहीं जा पाएंगे, तो हमने फिर बस अगली बस लेने के लिए वेट करा। जैसे कि हमने अभी बताया था कि स्कूटी भी हम लेने गए थे, तो स्कूटी का जो था वो हमारा थोड़ा ओवर बजट हो रहा था, एंड
हमें लगा कि आज का दिन भी किल हो जाएगा तो वो ठीक भी नहीं रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे मसूरी में ही हमें मिल जाए स्कूटी, तो आगे का हम वहीं पर एक्सप्लोर करें वो। लेकिन वो बात की बात है, अभी हमें बस मिल गई है देहरादून से मसूरी जाने की, टिकट ले लिया था हमने, और अभी हम इस बस में लगभग 15-20 मिनट से तो है, अमरूद खा लिए हमने, संतरे भी ले लिए हैं, काफ़ी सही एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक। चलो बाकी उसे ही पूछ लेते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आजकल। तो मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको टिकट काउंटर पे, बट चलो उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया टिकट काउंटर पे जाने का। और विक्की भाई आपका क्या कहना है? We have decided to first reach the foot, then we'll decide how to explore the area. बिल्कुल, तो अभी हम एक्चुअली सीधा जा रहे हैं होटल मसूरी के अंदर, फिर वहाँ जाके देखेंगे सामान वामान रखे कि क्या करना है, और आगे का रुकने का करने का सब कुछ वहीं जाके देखेंगे। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि स्नोफॉल हुई थी 2-3 दिन पहले कह रहे थे, तो वहाँ पे स्नो मिलेगी देखने को पड़ी हुई कि, या दोबारा स्नोफॉल होगी अभी क्या 1-2 दिन में, तो वो देखने वाली बात होगी। तो चलते हैं एंड देखते हैं क्या रहता है आगे का। इधर इधर डालते जाओ, मैं कर रहा हूँ ना, दोनों गाड़ी पीछे जाएं, आप पीछे लेके जाओ, अबे आगे मत होइए, पीछे हो जाइए, चाहे अगर पीछे को ले ले यार, मैं यहाँ से निकल के आ गया, ये पीछे करना पड़ेगा, कौन लंबा लग जाएगा भाई जी, जगह नहीं है, जगह नहीं है, आपको पीछे लेना पड़ेगा, स्पेस ही नहीं है, रुक जाओ स्पेस ही नहीं है, वो गाड़ी खड़ी है यार, तुम देख रहे हो इतना लंबा ट्रैफिक जाम भाई, बढ़ता ही जाएगा ऐसे अड़ाए जाओगे तो, पीछे करो, पीछे करनी पड़ेगी तुम्हें, वहां दबाओ, ये तो यही जा पाएगी, इसको तो बहुत जाना ही पड़ेगा पीछे, आपको पीछे लेके जानी पड़ेगी गाड़ी, अब जगह नहीं बची, नहीं बची, वहां पीछे दबा अंदर को, उल्टी काट और अंदर को दबेगी ज्यादा जल्दी के चक्कर में, जल्दी जल्दी निकालो, रास्ता बन जाएगा, आप जितनी जल्दी कर लोगे सब निकल जाएंगे, और ये नहीं निकल पाएगी, अभी निकल जाओगे दो गाड़ी के बीच में से, पीछे भी तो आई अभी बस रुक रही है ना, वो छोटी थी थोड़ा सा, आप दबाओ अंदर, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, हल्का सा आगे और बढ़ा दो, लगा लो बात, ये बाइक कटवा दो, ये आप पीछे आगे कर लो, पीछे कर लेंगे बाद में, बस ऐसे कर दो ना आगे को, हेलो फर्स्ट रूट, आप ये ताम जाम पूरा हो रखा है, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ, बस आगे आ जाओ, एक सेकंड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लो, वो वैन अंदर दब जाएगी, एक दूसरे को देख, आ जाओ जाओ यहाँ तक ले आओ, और आगे आ जाओ थोड़ा सा, और आगे आ जाओ, बस बस, क्या क्या कह रहे हो, नहीं नहीं शूटिंग वूटिंग नहीं, कार एक्सीडेंट हो गया ना, घुस जाएगी, थोड़ा सही से काटो, आप टेढ़ी खड़ी है, सही से काट के अंदर घुसो ताकि गाड़ियां निकले प्रॉपर, अंदर डाल दो अंदर, चूरमा बना पड़ा आगे, हाँ अभी देख दो, वैन को भी रहने दो ना,
चल जाएगा चल जाएगा, वो अभी खड़ी हो गई मैन साइड में, इनको एक साइड से निकलने दो। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हो रखा खतरनाक वाला एक्सीडेंट, पांच वाले को मार, तो फिर पुलिस वाले तो है ये तो गए चालान काट देगा आपका 500 का। कौन है? पुलिस वाले। अच्छा यहाँ चालान करते हैं सर, बगैर मास्क के मत घूमना। तो गाइस ये देखिए बड़ा जाम लगा पड़ा है, गाड़ी भी हालत देख सकते हो, ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, एक गाड़ी ये दूसरी गाड़ी ये चकना चूर हो रखी है गाड़ी की हालत। ये देखिए अभी जिसकी गाड़ी है वो तो हमें नहीं दिख रहे, पर आई थिंक सब सही सलामत है, अंदर से गाड़ियाँ ठीक ही लग रही है। और ये देखिए ये पूरी सीट आ गया होगी, वो एम्बुलेंस से कह रहे हैं लेके गए जिसके साथ हादसा हुआ, आई होप सही सलामत हो सब। और अभी ये थोड़ी गाड़ी आगे पीछे होगी तब प्रॉपरली निकल पाएगा, नहीं तो ये जाम हल्का हल्का बना रहेगा। ठीक है अब हमारे को आगे बढ़ने का वो होगा। उस साइड में काटो आप थोड़ा रुक जाओ, बस अब रुक जाओ आप इधर लगा दो, इधर सो आप गाड़ी मत बढ़ाने देना। हाँ बस ठीक है चलो चलो। चलो भैया चलो, बस कहाँ से निकलेगी, बस का ऑप्शन है ना, हमें निकल जाएगी भैया, आ जाओ 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 आप निकलो, आप अंदर दबाओ आ जाओ जाओ आ जाओ जाओ आप टू व्हीलर सुधर लगा इस साइड आ जाओ जाओ काटो काटो इधर काटो उधर मत लगाओ यहाँ लाओ आप हटो पीछे करो स्कूटी आओ जी भाई साहब। अभी हम आ चुके हैं मसूरी, ठीक है मसूरी जिसे हम बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है पहाड़ों की रानी, यहाँ हम आ गए हैं